तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने घर अपने गांव का लिखो से इन हसीन वाद्यों के साथ। तो हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। पहला कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो बाकी मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो मैं ना उत्तराखंड से आपका स्वागत करता हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। तो बात करें मौसम की, तो भाई मौसम होता है कतई जहर वाला, खतरनाक मौसम रखा है, अजीबो गरीबों वाला मौसम रखा है। तो आप देख सकते हैं कैसा मौसम रखा है, ये चारों ओर घुट्टो रहो, देखो यो ये देखो। तो आप देख सकते हैं मतलब कल दिन में 3:30 के आसपास बारिश की बूंदें बाँधे पड़ी, मतलब थोड़ा बहुत भिगाने के लिए बारिश हो गई थी। तो आज ये मौसम बनी रखा है बारिश का, देखते हैं फिर बारिश होती है नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ भगवान से, भगवान मतलब एक भी हफ्ता बाद है, 8-10 दिन के बाद होगी तो बारिश, अच्छी बात है। क्योंकि आजकल असोच लग रखा है, लोगों ने अपना घास काट रखा है कि उनका घास बर्बाद ना हो जाए, सड़ जाएगा ना घास, बारिश आ जाए सड़ जाएगा। और बाकी मैं बता रहा हूँ कि आजकल पहाड़ों में गोहत और मांस निकाल रहे हैं और उनकी जुटाई चल रही है मस्त करके, तो वो सब चीज़ बेकार हो जाएंगे ना, मतलब बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ भगवान से, प्लीज़ भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मतलब 8-10 दिन बाद जो है क्या दिक्कत नहीं है, जब तू बरस लो तू उतना बरस लेना। तो मतलब 8-10 दिन मतलब थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो तुम भी, उसके बाद जितना हो सके उतना हो जाना, ठीक है। तो बाकी सब चले गए हैं घास काटने के लिए, असोच लग रखा है, मतलब अब तो लोगों ने घास भी काट दिया होगा, मतलब थोड़ा बहुत रह रखा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि बारिश ना आ जाए, तो थोड़ी सी बारिश में पूरा घास भीग जाएगा, थोड़ी भी मतलब भीग बारिश से बूंदे बाजे पड़ गए तो सब घास पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि बारिश ना हो। तो आप देख सकते गाँव में तो पूरा गाँव खाली खाली सोना सोना लग रखा है, मतलब मेरे को बहुत अजीब सा लगता है जब गाँव में कोई नहीं होता। और गाँव में एक तो ये बात है कि अपने गाँव में अकेले एक लड़का मैं हूँ और कोई नहीं है यार, छोटा सा बच्चा है एक, अब वो तो मुझसे बात करेगा नहीं, वो रहती यार कुखिन जी रहूँ मतलब गोदी में रहता है, तो मैं उसके साथ कहाँ खेलूँगा। मेरे को भी टाइम नहीं मिलता है क्योंकि सुबह स्कूल चले जाता हूँ, फिर घर आता हूँ, फिर जंगल में चले जाता हूँ, फिर शाम को कहाँ जाऊँगा, शाम को अपने स्कूल का काम भी करता हूँ, फिर खाना वाना खा के सो जाता हूँ। तो इसीलिए तो यार घर पर अभी बहुत सारे काम भी करने हैं मेरे को, घर पर कोई है नहीं, मम्मी और बहनें लोग चले गए और बाकी सुबह का नाश्ता भी मैंने कर दिया है। और गाँव में कोई नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये देखो कोल अनिच्छा, मतलब जिनके गाय भैंस नहीं है वही हैं, तो वो भी खाली बैठे नहीं हैं, वो भी देखो आप देख सकते हैं हमारी भाभी जी, ये देखो क्या कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि आजकल पहाड़ों में मांस की कटाई चल रही है, तो वो मांस ही वो कर रहे हैं, उन्हें चूट दिए लाग तो उनको छीट रहे हैं, उनके दाने निकाल रहे हैं बाहर, मस्त ऊपर ही छीट रहे तो उनके दाने निकाल रहे हैं। तो बाकी मैंने भी घर पर काम करना बहुत सारा यार, अकेले हूँ यार, मन निकुन यार काम को क्या करे, फिर करना पड़ता है। ओहो, और बाकी पहाड़ों में सुबह शाम ठंड दब के हो रही है अब, तो आप देख सकते हैं मैंने एक ऊपर से गमछा जैसा बांध रखा अपने गले में, तुम लग रहा ये लग के बाद रहो या फांस जा खाऊँ भूगी, मतलब फांस नहीं खाऊँ, मतलब ठंड ला जाने, तो जो गोफी जी बैठ है ये जरा राहत मिली, मतलब ठंड तो नहीं हो, और बैग इसके अंदर से एक इनर पहनी है और बाहर भी एक कमीज पहन रहे, तुम देख रहा हम जा, तो ये जो है आजकल ठंड दिन आएगी, मतलब थोड़ा अपने को बचाओ ठंड से और कपड़े वपड़े पहन लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मस्त करके जरा गर्म तो हल, और थोड़ा सा दिन में गर्मी हो जा रही है, नहीं तो सुबह शाम तो बुरा हाल है ठंड का। चलता हूँ एक बार गाँव में, एक राउंड लगा देता हूँ गाँव का भी, मतलब मैं जाता नहीं, कभी कभी जाता हूँ, मतलब ज़्यादा छुट्टी उट्टी होती है तो तभी जाता हूँ, नहीं तो मैं अपने घर पे रहता हूँ, नहीं जाता कहीं भी, नहीं कहीं बकरी चरण भी घर दीजिए घास देने के लिए। तो चलते हैं अपने गाँव में, पूछते हैं भाभी उनसे कि और कहो आजकल। ओहो, मतलब आज यार धूप नहीं आ गई बिल्कुल भी नहीं यार, धूप का सारा मौसम ही हो, धूप नहीं आई यार आज यार, ये देखो लग रखे अपने काम पे, मतलब कोई भी खाली नहीं, सब अपना काम धंधा कर ही रहे हैं। फिर ओ भाई अभी शर्मा रही है, कुछ नहीं बोल रही है कि मैं क्यों नहीं बुलाऊंगा। तो बाकी जो तो अपने काम पर लगे हैं, तो बाकी नेता जी के पास आते हैं। अब अच्छा वैसे यार मस्त करके मुर्गियाँ चल रहे हैं, ये देखो नेता जी घर पर है नहीं है आज। ओहो नेता जी, ओ नेता दा, नेता जी, ओ नेता दा, नेता जी नहीं घर पे यार आज। ओह दरवाजे सर बंद है यार, तो मैं भी चलता हूँ घर पर, नेता जी घर पे नहीं है यार, खड़ा हो बैठे कुछ है ना। तो बाकी भाभी आ गई है घाघ ढोली पे, ऊंचे पहाड़ों पर घूमू मैं बेफिकर, बैठा रहूं बस ठंडी हवाओं पर, चलता हूँ घर को। तो घर पर मैं भी अपना काम हम कर लेता हूँ, झाड़ू पोछा लगाना है, झाड़ू लगा लेता हूँ यार। तो चलता है फिर घर पे, तो भाई बाद में मिलते हैं। घर पा गई, घर का झाड़ू पोछा बर्तन धो दिए और बाकी साफ़ सफाई हो गई है फिर। तो बाकी दगड़े आप
कोई ब्लॉग में नहीं आना चाहता तो उसको हम जबरदस्ती थोड़ा कहेंगे कि यार भाई ब्लॉग में आ जा, कुछ बोल ले दो शब्द। तो भाई जो नहीं आना चाहता ना उसको ज़बरदस्ती नहीं है, तो उसको आज का ज़माना आपको पता है वो कैसा है करके। तो किसी को तुम बोलोगे तो भाई उल्टी जवान की मुँह से आपको भी कुछ ना कुछ बोला जाएगा। तो इसलिए भाई कहा कहना है वो पहले कह चुप रहो ना, कहा वीडियो बनाओ है ना। तो किसी से ज़बरदस्ती करनी अच्छी बात नहीं है, और अपना बिल्कुल मस्त हो रखा है। जो नहीं आना चाहता तो मत आओ, और जो आना चाहता है उनको दिल से ब्लॉग में लाएंगे, भाई आओ करके कुछ बोलो करके ना। आप कोई नहीं आता ज़बरदस्त होना कहेंगे उससे आ जाओ करके ना। अपना बिल्कुल मस्त है, अपने मौज में बिल्कुल, भाई की दिक्कत आ रही है कोई दिक्कत ना है। तो वाकई अब देख सकते हैं गाँव में मस्त करके लहसुन मूली के पत्ते हो रखे मस्त करके। देखो ये अपने पहाड़ों में अपने खाने पीने के लिए चीज़ें हो जाते हैं। ये बाकी है पप्पी थरी भाई ठुल्ला ठुल मजा नहीं खड़म तगड़ा वाले नहीं बिल्कुल मिठा मिठा। तो बाकी तो हमने भी रख रखे छत पर सुखाने के लिए गहत। तो भाई यार धूप तो आने दी, कहाँ सूखेंगे यार ये जम हो रहे यार सुखने नहीं सुखल दी दिने की निकल जाएगी ऐतला नहीं सूख रही आज हमारा सुख रही तब इन्हें चुटा ले के जाए। और तो जरा मल रखा नहा जाना मतलब गांव का भ्रमण। तो बाकी आप देख सकते हैं कुछ नहीं हो रखा ये खाचा खोड़ दस बन कुछ है। अच्छा तो बाकी देखो गांव में कोई नहीं है, सब चले गए दिल्ली को। अभी ये तो देखा जाए कसो को बज्जर पड़ो इन बन जाओ भाई, घर को छोड़ को जाओ तो भाई ऐसी स्थिति हो गई। ये देखो इतनी झाड़ी हो रखी हैं, अब जब है इला उन्हें साफ सफाई जीना करेगी। तो बाकी जाते हैं फिर बार घर को मैं मतलब मल बाकी निकल धर्मण हो गया है कोई नहीं है गाँव में। तो बाकी चलता हूँ फिर अपने वापसी घर को मैं, फिर थोड़ा बाद अपना स्कूलों काम करना है मैंने यार, स्कूलों काम करता हूँ तो उसके बाद सीधा खाना ना बनाता हूँ। उधर डैम तो जाना पे हो, यहाँ से आपको अपना स्कूल भी दिखा दूँगा जहाँ मैंने एक से लेकर आठ तक पढ़ा था। तो एक बार इस इधर से एक झलक देख लेना स्कूल का, और नज़दीकी है मतलब 5 मिनट नहीं लगते, 2-3 मिनट आएगा इसको जाना बस। ओहो भाई ठंड लागू हो। हाँ यार तो बाकी हमारा स्कूल वो रहा, देखो आप देख सकते हैं यहाँ से दिखने ढंग से, ये देखो ये देख रहा ना वो, ये हमारा स्कूल जहाँ मैंने एक से लेकर आठ तक पढ़ा था। और बाकी आप देख सकते हैं देखो यो अब साफ सफाई है कि नहीं इन फन, ये देखो घा काट सब बोले बिल्कुल टाइम बाद मतलब 10-15 दिन के बाद मैं अपनी बकरियों लेके इधर जाऊँगा चराने के लिए, मतलब अपने घर के आसपास ही चराऊँगा बकरियों को, क्योंकि अब सार खाली हो जाते हैं ना तो कोई कुछ नहीं कहता। तुम कहीं भी बकरी लेके जाओ कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे, मस्त करके अपनी बकरी चराओ जहाँ भी लेके जा सकते हो। मतलब अब ऐसा है ना पहले जब सार पाई जाती है तो भाई हमको बकरी दूर लेके जानी पड़ती है जहाँ मतलब किसी का पाया हुआ ना ही हो, मतलब किसी का घास किसी के पाया हुआ नहीं हो तो उसको हमको बकरी लेके यहाँ दूर जाना पड़ता है। तो इसलिए आज का बकरी मैं और मेरा भाई कृपाल भाई वो उस साइड से बकरी लेके जंगल में आते हैं मुर्गा खेल, और बाकी मैं यहाँ से जाता हूँ। तो हाँ कोई कोई गाली नहीं देगा हमको, तो भाई कहाँ उजरा मैं जरूर ना तो गाय के तो पड़े लम की है ना। तो ये जी मस्त करके वहाँ बकरी चराते हैं, तो अभी आएगा वो 2 बजे उसको कॉल आएगा कि आधा करके, तो ठीक है फिर हम दोनों साथ ही चलाएंगे मस्त करके बकरियाँ भी। तो बाकी चलता हूँ घर को अब, तो ब्लॉग में बने रहना। तो दगड़ियो बाकी ऊपर से भड़म भड़म कर रहा है, मतलब बारिश आने की संभावना है। तो मम्मी का कॉल आया अभी कि इनको सारा इनको समेट के इनके ऊपर तिरपाल रख दे, तो क्योंकि बारिश से भीग ना जाए, भीग जाएंगे तो पूरी दाल ख़राब हो जाएगी। तो जल्द से जल्द भैया इनको मैं समेटता हूँ, तो उसका इनसे तिरपाल ढक के फिर बाकी अभी मैंने खाना नहीं बनाना है, बहुत टाइम हो गया है, 12 बज गए यार। क्या गड़बड़ होगी रे यार, ये बारिश ने बिल्कुल पूरा बेकार कर दिया है हट। तो बाकी बकरी भी लेके जाना पड़ा है, मैं शाम को बारिश आ गई तो भाई बकरी भी सुबह खोली नहीं है, तो भाई एक ही टाइम खोलता हूँ उसका, तो बकरी भी भूख से मर जाएंगे। तो भाई जल्दी जल्दी खाना बनाता हूँ। तो पहले तो एक काम, पहले ये काम है इनको पहले समेट के तिरपाल रख के फिर खाना बना के, खाना बना बुन के खा खो के चलता हूँ फटाक से बकरी चराने। हाँ तो उसको भी कॉल कर दूँगा भाई जल्दी आ जा करके आज, तो दौड़ी को फटाक से रखता हूँ तो भाई बाद में मिलते हैं। तो दौड़ियों बाकी मैंने सब समेट दिया है ये देखो, और बाकी अपनी छत भी साफ सुथरा बन गया है और बाकी इसको समेट दिया है। और बाकी भाई बारिश आ गई है यार, देखो आप देख सकते हैं चीटे चाटे पड़ रहे हैं बारिश के। और बाकी मैंने खाना भी रख दिया था, मतलब भात चढ़ा है, लगता है आपको घोट ले जाने पड़ेगा यार हट यार, अब बारिश आ गई तो कैसे बनेगा खाना। तो जल्दी जो तुझे लखड़ नहीं हो ये लखड़ू की वैसे तो घोट चापड़ा लेक सगड़ा सगड़ा बना पड़ा भात वो ये बेकार हो गया अच्छी। ओहो तो बाकी पटाख से मैं आग ले और
कुकड़ के लिए भीते जानो और बाद में मिलो भैया, और लेट कर दी तो भाई आगला मुझे जाल और बाद में वैसे आगला जलो नहीं यार। अच्छा ऐसा हो रहा ना छिलुक मिली ही ने किए यार, पिछले सालों में छिलुक भी नहीं रखे गधेरे भिगाने के लिए, मतलब जो भीमू है ना भीमू, उनके लंबे लंबे सीख रख के गधेरे में रखते हैं पत्थर से डुबा के, फिर उन छिलुक बन जा तो उनको तोड़ गए रखनी, तो इसलिए हमने रखे भी नहीं, तो इसलिए आगला में डालो नीचे भैया। और बाकी धूप हो नहीं रही तो घर लगता सोल ढंगल, तो जी भैया फटाक से जल्दी से जल्दी आग ना मुझे ऊपर से बारिश तेज ना आ करके, तब तो बारिश आ जाए तेज तब तो इसको फटाक से अंदर रख देता हूँ। और बाकी अपना एक नए मेहमान ये देखो हमारा छोटा सा भोला, ये लड़का है। हाँ लड़का, हाँ लड़का ने तो हेलो हाय कर दे, हाय कर दे, कहाँ हाय कर दे, हाय कर दे, कर दे हाय, कर दे कर दे हाय कर दे ना बोल पा कर दे। तो भाई बारिश के साथ बाद में खेल खेलूँगा, तो भाई ऊपर से बारिश मेरे साथ खेल खेल रही है, जल्द से जल्द मैं इसको अंदर रखता हूँ, तो भाई बाद में मिलते हैं। तो बाकी दगड़ी मैं अंदर ले आया हूँ, इस सगटे में रख दिया है भादव, तो बाहर बारिश आ गई यार। अब ये देखो ये अब यार बेकार हो गया, तो सर ठीक है इधर लाइट आ गई यार, अंदर पहाड़ में ऐसा सीन है ना, थोड़ी सी बारिश आई बस लाइट गम, लाइट चली जाती है यार, तो मैं थोड़ी देर लाइट आ जाए ना एक घंटा बस, थोड़ा फोन चार्ज हो जाए और अपना बस खाना बन जाए। हाँ तो दिन में बता नहीं था, फिर रात को भाई 6 बजे तक फिर आ जाना लाइट यार, तेरे हाथ जोड़ता हूँ यार। और भाई आज तो भाई जिस जिस का घास है ना, मैं जो जो असूर कटून जा रही है और जो जो भैंस गुल जब घा काटी, भाई घास तो बर्बाद हो चुका है वो कन्फर्म है, आप देख सकते हैं अभी भाई घास थोड़ा बहुत सूखा घास थोड़ा बहुत भीगा ना, मतलब सूखा घास थोड़ा बहुत भीग गया तो समझ लो भाई पूरी घास बर्बाद हो जाएगी। भाई घास तो पक्का बर्बाद हो गया, हट तेरी। अब भाई हमारे भैंस गोरु के लिए भी क्या होगा रे, हट तेरी। भाई साहब बात होगी तगड़ी वाली, भाई ओए बोल ले 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 आजा जा 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 तो तुम जान लिए आनंद। अच्छा ठीक है। ओहो दगड़े भाई पूरे पूरे मोले खाल साइड ना पूरी धुंध मच गई, पूरी काला काला हो गया पूरा, वहाँ देखो तो आप देख सकते हैं ये देखो। ओहो तो बाकी दगड़े बारिश में ना इतो रखवा था मैंने, साबुन भीते रखो कपड़ भीते रखो, जब तू भनकुन भीते रहने सब यहाँ सब भीते रखना पड़ने, हाँ यहाँ सब रखवा था फटाफट, जब फोन ला के जब तू बिहार का सामान छा सब इतने रख दे, तुम्हारे फटाफट रखवाटम सब इतने रखा ही हो, ये देखो ऐसे फेंक दिए कपड़े, देखो ये रसम भाई रखवाटम यार दीवार को कपड़े पर भीग के बेकार डाल फिर यार, ओ बेकार हो गई रही। तो बाकी काला बन थोड़ी देर में बन जाएगा, तो जल्द से जल्द मैं हलमर पीस दे लूँ, तो भैया हलमर पीस में पड़ो भाई घिसड़ा घटड़ा घटड़ा का भाई, तो फटाक से मैं हलमर पीस देता हूँ, तो उसके बाद मिलते हैं। तूफान आ गया दगड़ियो, ए श्याबा श्याबा देव गोच तगड़ी वाली बारिश और इसके साथ ही तूफान, ये देखो भाई कैसे पेड़ हिल रहे हैं भयंकर। तो बाकी दगड़ियो खाना तो बना दिया, मतलब सही बात बनाया है, तो बाकी मम्मी और दीदी भी आ गई हैं, मतलब घास फूस आधा भी गया थे उनके बाद भूख के आ गए, तो भाई अभी मैं थोड़ी देर नीचे बैठ के आया मम्मी साथ बैठा, तो बातचीत करे क्या इधर घास जल बर्बाद हो गया भग जल क्यों जल मतलब चला घाट पूरा खत्म हो गया, मतलब ख़राब हो गया है, मतलब वो बनकुड़े से लगा दिया सू लगाया है, सू नहीं लगाया इस बार बनकुड़े थे ना छोटे छोटे बनकुड़े लगा दिए मम्मी ने, तो उस बनकुड़ को दोबारा सुनना पड़ेगा फिर घास को सुखाना पड़ेगा, तो मम्मी बोल रही इस बार घास खराब हो गया, मतलब यार इस बारिश के कारण घास हो गया खराब, तो क्योंकि दीदी ने मुझे काटा था तो मम्मी भी देखी गई यार, तो मतलब मम्मी भी सुबह चल जाती ना दीदी के साथ, तो क्या बोला थोड़ा जल्दी हो जाता तो लेट हो गई, तो इसलिए हमारा घास खराब हो गया मतलब सड़ गया है, अब अभी तक कुछ मतलब सॉरी अभी सड़ा थोड़ा नहीं है, मतलब धीरे धीरे सड़ जाएगा ना क्योंकि मतलब घास पन लग जाता ना तो घास सड़ जाता है, तो इसलिए अब मम्मी कह रही है सड़ जाएगा, अब क्या पता सड़ भी सकता है नहीं सड़ता, तो मैं कहूँ नहीं छोड़ो ना यार बा। तो भाई दगड़े कपड़े बदल दिए भाई, मैं पूरा भीग गया था, कभी इधर से सामान अंदर डालो तो बैठ गई थी ऊपर,
बैच लगी थी कभी ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर पकीफन तिरपाल से उड़ाऊँ मत थे तो आदि तूफान है ये बस मत उड़ाऊँ तिरपाल तो मेहनत मतलब वहाँ में वो पता तो रखे तो ढंग से करा तो दादा ढंग से हो गया हो। और बाकी देखो बारिश भी लगी हुई है देख सकते हैं आप ये देखो भाई पहाड़ में ऐसे ही हो रखा है देखो सब छुप छापा रख रही हूँ अब क्यों कौन बाइक दीवार देखो यो ये खाना मैं खाते हैं फिर बना दिया खाना मेरे बाद में दौड़े खाना खा लिया बिल्कुल पेट पकाऊँ भरी बोझ तो बाकी चलते हैं तेरा बकरी चलाने के लिए कहाँ यार बारिश देख रहे हो तुम ये बारिश नहीं जाने देती भाई बकरी को यार तो दौड़े यार टेंशन हो गई है यार किस चीज़ की मैं अपना खाने की तो दो दो बार खा लिया तो बकरी ने एक बार भी खा रखा है फिर क्या हो गया अंदर कितने हो गए 3 बज गए यार अब क्या हो गया यार क्या करेंगे बकरी अभी बेकार भगवान 1-2 घंटा बंद हो जाता ना बारिश तो बाकी जब भी बैच बंद होगी तो देखते हैं फिर जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो बकरी को धूल देंगे चलाने चल जाएंगे क्या कह रहा है यार ऊपर वाला यार उसको कह रहा लग रहा है बोल रहे यार मन की बात बोल दे क्या दार अच्छा बड़बड़ कर दिया राजी तो बड़े बाकी आज का लोग ऐसे मत करता हूँ आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना कमेंट करना चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बाय बाय।